कौन सा वाला? लोहे की कढ़ाई यूज कीजिए मैम, मैंने टेस्ट कराया था ना तो मेरा इंजीनियर था अच्छा, तो मैं बताता हूं जो मेरे हाथ में बेस्ट प्रोवाइड किया, पर हॉस्पिटल में भी होना अंदर कॉल कीजिए हेल्प अंदर बुलाना, मुझे टॉक देना है 9792। आप लग नहीं रहे हो, पता नहीं कितने कमजोर लग रहे हो। बॉडी में जो ब्लड है हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं, हीम एंड ग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीम का मतलब आयरन, तो जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ बाइंड करके हीम के साथ हमारे पूरे बॉडी और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई देता है। तो अगर आयरन ही नहीं है तो वो बाइंड ही नहीं करेगा ऑक्सीजन उसके साथ, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं होगी। तो बेसिकली अनीमिया का ये कॉज है, वन ऑफ द आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। पेशेंट को पता ही नहीं होता, घर में महिला को पता ही, वो इतनी ज्यादा अपनी लाइफ प्रोफेशनल पर्सनल को बैलेंस करने में लगी होती है कि समझ ही नहीं आता है कि थकावट का कारण क्या है, वीकनेस का कारण क्या है। तो इसलिए दो चार बातें आपसे करूंगी, आपको ये खुद से ही रियलाइज हो जाएगा कि शायद आपको अनीमिया तो नहीं है। अनीमिया बहुत सारे प्रकार का होता है। आज हम बात करेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पे। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया किन कारणों से होता है? मेन तीन कारण है, या तो हम सही मात्रा में आयरन नहीं ले रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, दूसरा हम ले रहे हैं बट वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तीसरा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, विमेन में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हो रही होती है और वो इस बात को छुपाती हैं, बात नहीं करती हैं इस बारे में खुलकर। तो ये मेन तीन कारण है जिसके कारण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। और इन सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का बेसिक इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। हमारी बॉडी में आयरन का क्या काम है? आयरन के साथ हमारा ऑक्सीजन मिलके आयरन का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना हमारी बॉडी के हर एक पार्ट पे। तो जब आयरन की ही कमी है तो ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन पे नहीं जा रहा है, तो हमें बॉडी में थकावट महसूस होती है, कमजोरी लगती है, झिझनापन लगता है, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होती है, क्योंकि आयरन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो हमारा जो हार्ट है उसको बार बार पंप करना पड़ रहा है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई करे। तो ये सिम्टम्स हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के, थकावट, कमजोरी, झिझनापन, आपके जो नेल्स हैं बहुत जल्दी टूटते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें लैब इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, सीबीसी काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हमें पता चलता है कि हमारा एचबी कितना है। उसके बाद आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं, या तो बहुत माइल्ड एनीमिया है तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, ईटिंग हैबिट्स चेंज करके भी इसको घर पे ही ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, चकुंदर हो गया, नट्स हो गए, किशमिश हो गई, ये अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, कसरत कीजिए, योगा कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो उसकी भी मेडिकेशंस होती है, वो आपको आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर गाइड करेंगे।
थैंक यू सो मच। नमस्कार, हम बड़े दिनों से 8 मार्च से जैसे वुमन एम्पावरमेंट का मना रहे हैं, तो ये हमारे अपने शहर की बेटी है डॉक्टर भूपेंद्र, उन्होंने डॉक्टर डी के डीज के नाम से यहाँ पे लैब खोला है और ये बहुत अच्छी सेवाएं दे रही हैं अपने शहर में, बड़ी अच्छी सेवाएं दे रही हैं। आज भी जैसे इन्होंने फ्री कैंप लगाया है तो यहाँ पे सारी इवन भी नारी निकेतन यहाँ की लड़कियाँ भी आई हैं, यहाँ पे इनको फ्री ये सेवा दे रहे हैं और अच्छा सारा दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि घर में लड़का भेज के अपने सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। कठुआ में पहले शायद कोरोना से पहले फिर भी ले लेता था कोई, लेकिन आजकल कोई भी जो है घर से सैंपल नहीं पिक कर रहे, तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी है इनकी कि घर से पिक कर रहे हैं। अब जैसे मुझे खुद थोड़ा घुटनों का प्रॉब्लम चल रहा था तो इन्होंने घर भेज के लड़का और सैंपल लिए हैं मेरे, और 2-3-4 घंटे में इनकी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। बाकी जो लैब बाहर भेज रहे हैं रिपोर्ट्स के लिए हमें दूसरे दिन रिपोर्ट मिलती है, पर ये बहुत ही अच्छी सेवा है कि हमें सेम डे रिपोर्ट मिलती है और ये खुद पैथोलॉजिस्ट हैं तो ये खुद हमें चेक करके अच्छे से रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और कोई अगर हमें प्रॉब्लम आती भी है तो खुद ये फोन करके बार बार पूछते हैं कि हाँ आंटी आपको कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, तो फिर दोबारा भी हमारा टेस्ट हो सकता है सब है। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमारे अपने शहर की बेटी है ये और आके यहाँ पे अपना अच्छा काम कर रही है। वुमेन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनर रूल से मैं बात कर रही हूँ। मैं आज यहाँ पर, मेरे को बहुत खुशी है, हम पहले भी यहाँ विजिट कर चुके हैं और डॉक्टर डीज लैब हमारे कठुआ के लिए एक बहुत बड़ा ये गिफ्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो जितना भी एटमोसफेयर है, जो सराउंडिंग है, इतना हाइजीनिक है कि जब आप पहले तो आप जब विजिट करते हो ना आप फील नहीं करते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं कुछ टेस्ट करवाने आया हूँ, और वो स्मेल होती है जो लैब्स में यूरिन की स्मेल और मेडिसिन की जो स्मेल होती है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपको इतना अच्छा एटमोसफेयर मिलेगा, आधे तो आप पहले ऐसे ही ठीक हो जाओगे। और मैं एक चीज़ और बताऊँगी, जैसे हम लैब में टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे लैब असिस्टेंट जो होते हैं वो हमारा सैंपल लेते हैं, और हमारा सैंपल कहाँ जाता है ये हमें पता नहीं होता, और किस कंडीशन में जाता है, किस कंडीशन में वो रोटेट होता है लैब टू लैब, उसका हमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा सैंपल लिया जाता है और सामने हमारी स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदर वो अपने सुपरविजन में ये टेस्ट खुद करती है, और ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हम एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि एक स्पेशलिस्ट के हाथ में हमारा सैंपल है। और मैं डॉक्टर दुबिंदर जी का बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने छोटे से कठुआ के लिए इतना बड़ा सोचा है और हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं कठुआ के लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मतलब ऐसे अपने ब्लड सैंपल्स या टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के बेसिस पर ही हमारा आगे ट्रीटमेंट होता है, और अगर टेस्ट रिपोर्ट हमारी बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो हमारा ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो एक बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में अगर हमारा, हमारी आंखों के सामने अगर हमारा टेस्ट और हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है तो इससे अच्छी फैसिलिटी हमें कठुआ जैसे शहर में और कहीं नहीं है। तो आई एम वेरी थैंकफुल और हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य से इस कैंप का हमने आयोजन किया था और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारी महिलाओं ने आके हमारा साथ दिया, और मैं बहुत आशावादी और अभिलाषी हूँ कि ये मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है इंसानियत का जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर दी प्राइम मिनिस्टर दैट फ्रॉम जस्ट नॉट मेरा स्लोगन नारी शक्ति, दे हैव डिलीवर्ड इट ऑन ग्राउंड्स। बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी डेवलपमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो रही है, एंड मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकती है जब हर एक एम्पावर्ड वुमेन अंडर प्रिविलेज वुमेन को अपने साथ लेकर चलने की सोच रखती है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे आर डूइंग सच ग्रेट वर्क फॉर एग्जाम्पलीफाइंग द स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ऑफ ईच वुमेन इन शेपिंग द नेशंस डेस्टिनी। आज के मौके पर जो मैंने विशेष रूप से आमंत्रण किया था हमारी वुमेन सेल की महिलाओं को, जो वीरांगनाएं हैं हमारे देश की, कोई भी जैसा भी मौसम हो, जैसी भी स्थिति हो, कोविड हो, कुछ भी हो, वो हमेशा तत्पर रहती हैं हमारी सेवा में, देश की सेवा में। और दूसरा, नारी निकेतन के टीनेजर गर्ल्स आई थी,
उनको भी हमारे लव अफेक्शन केयर और अटेंशन की बहुत जरूरत है। तो उनके साथ हमने कुछ बातें की, कुछ उनको अनीमिया पे एजुकेट किया, कुछ सप्लीमेंट्स उनको दिए, कुछ सैनिटरी नैपकिन्स उनको दिए। तो मुझे लगता है कि हमें ये आज एक दिन तक सीमित नहीं है, दिस इज आई एम डूइंग फॉर सोशल कॉज एंड आई वॉन्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस टू वुमेन हु आर एट अ प्लेस दैट दे कैन अपलिफ्ट अंडर प्रिविलेज, दे शुड ऑब्वियसली कम अहेड एंड वर्क टूगेदर फॉर द ह्यूमैनिटी।